स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला। जब हर गांव हर शहर होगा साफ, तभी तो होगा देश का सही विकास। नमस्कार, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और स्वच्छ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम आपको दिखाएं कि हर गांव, कस्बे और शहर में स्वच्छता को लेकर क्या क्या कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको लिए चलेंगे पंजाब के ढकौली गांव और विकास नगर में, साथ ही अहमदाबाद के लीलापुर में, और दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों ने स्वच्छता को ही अपना कर्म बना लिया है और स्वच्छता को ही अपना धर्म बना लिया है। उसके बाद आपको लिए चलेंगे मणिपुर के इम्फाल के वाईखोंग गांव में और देहरादून के गांव छरबा में कि अब लोगों ने ये मान लिया है कि सभी रोगों की है एक ही दवाई, जब आसपास और देश की होगी सफाई। तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन के रूप में उभर रहा है और लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आइए देखते हैं। भारत को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने की पहल के साथ शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। देश के ज्यादातर राज्यों में इस योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। स्वच्छता मिशन से पंजाब के कई गांवों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। यहां की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है। कुछ समय पहले तक यहां शौचालय सभी घरों में उपलब्ध नहीं था, जिस कारण लोग खुले में शौच के लिए जाते थे। खुले में शौच से न सिर्फ माहौल गंदा हो रहा था, साथ ही लोग कई प्रकार की बीमारियों की चपेट में भी आ रहे थे। स्वच्छता मिशन के तहत यहां जागरूकता अभियान चलाया गया, जिससे धीरे धीरे शुरू हुआ परिवर्तन। इसका फायदा सबसे ज्यादा महिलाओं को हुआ है। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਔਖੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੋਇਲਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਟੋਇਲਟ ਹੈ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਹੂ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। गांवों का माहौल गंदगी मुक्त बनाने के लिए सरकार की कोशिशों के साथ स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों की सजगता ने अहम भूमिका निभाई। ये बात अभी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, जब पैसे के अभाव में गरीब परिवार शौचालय बनवाने में असमर्थ थे। ऐसे में उनके पास खुले में शौच जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। स्वच्छता अभियान ने उनकी परेशानियों को भी दूर किया। इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि से अब इन घरों में भी शौचालय बन गए हैं। साढ़े पिंड विच सत्त घर अधूरे पए सी, जो अपने टॉयलेट बाथरूम नहीं बना सकते सके, उन्हां दी सरकार ने बना के काफ़ी वधिया उन्हां दी मुश्किलां दा हल किया। असीं उन्हां दे घर जाके सारिया मुश्किलां पुछियां, इस टाइम सारे जो बजुर्ग है सारे खुश हैं। राज्य भर में शौचालय बनवाने का काम तेजी से चल रहा है। कुछ गांवों में
शत प्रतिशत शौचालय बन गए हैं तो कहीं बहुत जल्द लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। 8 टॉयलेट्स बनाते वक्त हमें यहाँ काम के वक्त कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे सरपंच साहब हैं, ग्राम पंचायत कमेटी है, उनका पूरा हमें सहयोग मिला है। बाकी हम ये सोचते हैं कि हम इस गांव को अगले आने वाले 10 दिनों में इसको ओपन डेफिकेशन फ्री कर देंगे। स्वच्छ भारत इंडिया में शुरू हुआ है, उसका बहुत बढ़िया श्रेय मिल रहा है। उससे गाँव में जो गवर्नमेंट की तरफ से टॉयलेट्स बन रही हैं गरीब घरों के घर में, उनसे जो लोग बाहर जाते थे वो जाना बंद कर गए, घर जाते हैं। अब उससे बीमारी नहीं फैलेगी तो हमारा हिंदुस्तान स्वच्छ रहेगा। अपनी मेहनत और सफाई की अहमियत को समझते हुए यहाँ के लोग इस अभियान को सफल बनाने में पूरी लगन से प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कुछ अनूठे प्रयोग भी देखने को मिले। गंदे पानी को सिंचाई योग्य बनाने के लिए यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की पहल की गई है। ये प्लांट किसानों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। हमने 2013 में इस गांव के लिए नई प्रपोजल बनाई जो सीवरेज स्कीम की थी। सीवरेज स्कीम को हमने वर्ल्ड बैंक की सहायता से इस गांव में लेके आए। पंचायत की GPWD कमेटी की सहयोग से हमने वो सारा काम कम्प्लीट कर दिया है और 2015 को हमने योग सीवरेज स्कीम बना के वो गाँव वालों को हैंड ओवर कर दी है। जो गंदा पानी है वो हमने पाइपलाइन के थ्रू कलेक्ट करके गांव के बाहर हमने एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है जिसकी कैपेसिटी 0.233 MLD है। लगातार किए जा रहे प्रयासों का ही असर है कि अब यहाँ लगभग सभी के यहाँ शौचालय बन गए हैं, लेकिन इन सब के बीच अब भी बहुत सी चुनौतियाँ बरकरार हैं। यहाँ स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कम उम्र में ही साफ सफाई की अच्छी आदतें सीखकर ये छात्र न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी नई दिशा दे रहे हैं। स्वच्छ माहौल कायम रहे इसके लिए निगरानी समितियों का भी गठन किया गया है। स्वच्छ भारत का असर यूं तो पंजाब में हर ओर नजर आ रहा है, लेकिन इसका विशेष असर राजधानी चंडीगढ़ के आसपास के गांवों में देखने को मिला। चंडीगढ़ से 15 किलोमीटर दूर स्थित गांव ढकोली भी इसका सफल उदाहरण है। विभिन्न माध्यमों के सहारे इस गांव के लोग स्वच्छता की अहमियत से रूबरू हो गए हैं। अपने अतीत को पीछे छोड़कर ये गांव अब स्वच्छता परिवर्तन की कहानी बयां कर रहा है। सफाई की भी सभी लोग जागरूक हैं और ये हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने जागृत किया सबको। वी आर रियली थैंकफुल और हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डालें। व्यक्तिगत तौर पे तो जहाँ भी हम अपनी गुलमोहर एवेन्यू में जाते हैं लोगों को कोशिश करते हैं कहने की भाई ऐसे मत फेंको, स्वच्छता अभियान मोदी जी ने चलाया है, इसको अपने कूड़ेदान में फेंको, जहाँ भी फेंको अच्छा लगता है, गंद मत फेंको। लेकिन आजकल के लोगों में जागरूकता ये है कि लोग अपने घरों की सफाई, पार्कों की सफाई, गलियों की सफाई, जितनी भी सफाई कर रहे हैं वो मन में प्रधानमंत्री को रख कर ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का नाम रोशन हो, प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम जो था वो सफल हो। समाज के हर तबके को इससे जोड़ने के लिए यहाँ समय समय पर स्वच्छता जागरण अभियान चलाया जाता है। लोगों को अब ये समझ में आ गया है कि समृद्धि के शिखर तक जाने की पहली सीढ़ी साफ सफाई ही है। गंदगी के दुष्प्रभावों को समझते हुए स्वच्छता के प्रति लोगों की सोच भी बदल रही है। यहाँ स्वच्छता का जायजा लेने जब हम ढकोली स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ हर स्तर पर स्वच्छ माहौल कायम रखने के लिए खास रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों पर साफ माहौल जहां एक ओर सकारात्मक परिवर्तन का परिचायक है, वहीं यहां के पुलिस चौकी पर साफ सफाई के लिए पुलिस कर्मियों की प्रतिबद्धता कमाल की है। व्यस्त दिनचर्या के बीच सफाई के लिए समय निकाल ही लेना इनकी बड़ी खासियत है। स्वच्छ अभियान के तहत ही हमने सारा काम किया हुआ है और जो पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और ये जो ग्रीनरी है इसी करके है सारी।
पुलिस का भी अच्छा रोल है, बहुत बढ़िया है, जहाँ अपना अपना रोल निभा रहे हैं स्वच्छ अभियान के तहत, बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ के विद्यालय भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। शिक्षक बच्चों को स्वच्छता की हर बारीकी से अवगत कराते हैं और छात्र पूरे उत्साह से इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान चलना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है इंडिया को साफ सुथरा रखने के लिए, जो कि सब इंडियंस को करना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान चलाया यहाँ पर, इससे काफ़ी जगह जगह पे साफ सफाई हुई है, इससे और अच्छा हो सकता है कि अगर हम खुद भी अगर इसमें एफर्ट्स डालें अपने। ढकोली की सुखद स्मृतियों के बाद हम पहुँचे यहाँ से कुछ दूर स्थित विकास नगर। यहाँ जन जागरूकता फैलाने से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ माहौल बनाने में महिलाओं की सार्थक भूमिका नजर आई। पहले जो कूड़े के ढेर थे अब नहीं है, स्वच्छता अभियान के बाद अब सबको समझ आई है कि हमने अपने घर को साफ सुथरा रखना है, आसपास को साफ सुथरा रखना है, और हमने सबको बताना भी है कि अपने आसपास सफाई रखें। यहाँ लोगों ने स्वच्छता के इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए अपनी ओर से कमर कस ली है और उम्मीद है कि पंजाब के गांव संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। साफ भारत, स्वच्छ भारत, सब मिलके नारा लगाओ, कूड़े और करकट को लोगों इस वतन से दूर हटाओ। साफ भारत, स्वच्छ भारत, सब मिलके नारा लगाओ। स्वच्छ भारत अभियान का व्यापक असर गुजरात के अहमदाबाद जिले के लीलापुर गांव में भी देखने को मिल रहा है। ये गांव प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। यहां के विद्यालयों में स्वच्छता संबंधित गतिविधियों को देखना सुखद एहसास की तरह था। छोटे छोटे बच्चे बहुत मन से स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए उत्साहित नजर आए। इस स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे उन परिवारों से आते हैं जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं। ऐसे में वो अपने बच्चों पर कोई खास ध्यान नहीं दे पाते। ये विद्यालय एक अभिभावक की तरह छात्रों का विशेष ध्यान रख रहा है। कुछ बच्चे बिना बाल झाड़े ही विद्यालय आ जाते हैं, ऐसे में उन्हें यहाँ बालों की सफाई के बारे में भी विस्तार से बताया जाता है। उनके लिए तेल और कंघी की व्यवस्था भी स्कूल में ही की गई है। छात्रों को पूरा पोषण मिले इसके लिए मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को पौष्टिक भोजन भी दिया जाता है। शिक्षक बच्चों को खाना खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने की अहमियत बताते हैं और छात्र इसका पालन भी कर रहे हैं। इन्हें ये बात समझ में आ गई है कि सफाई वातावरण की सुंदरता के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। छोटे छोटे बच्चे कई बार मिट्टी में खेलने लगते हैं। साबुन से अच्छी तरह स्नान करने से शरीर तो साफ हो जाता है, पर नाखूनों के अंदर मिट्टी फंसी रह जाती है। इन कोशिशों से छात्रों का भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्वच्छ भारत अभियान ने पीने के पानी की समस्या को बहुत हद तक समाप्त कर दिया है। पानी का महत्व जग जाहिर है, जल के बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। जीवन के लिए बेहद अहम पानी की और भी ढेर सारी उपयोगिताएं हैं। खाना बनाने से लेकर सिंचाई तक पानी का इस्तेमाल होता है, लेकिन पीने के लिए साफ पानी मिले ये हम सब की बड़ी प्राथमिकता है।
गंदा पानी पीने से हम कई बीमारियों के जाल में फंस जाते हैं। प्रदूषित पानी कई बार गंभीर संकट का कारण भी बन जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर यहाँ स्वच्छ जल की उपलब्धता पर जोर दिया गया है। राजधानी इम्फाल से 60 किलोमीटर दूर वाईखोंग पंचायत ने गंदे पानी की समस्या से बहुत हद तक छुटकारा पा लिया है। यहाँ सरकार और जनता के सहयोग से पानी के कनेक्शन लगाए गए हैं, जिससे लोगों को स्वच्छ जल मिल रहा है। हमने यहाँ के लोगों से ये भी जानने की कोशिश की कि पानी के कनेक्शन के लिए उन्हें किस तरह के प्रयास करने पड़े और मासिक बिल कितने का आता है। I did not pay a single penny to get this connection so far, but I did buy some meters of pipe by myself to get connected from the main line. The monthly bill for my connection is just rupees 150 only. ऐसा नहीं है कि इस काम में चुनौतियां नहीं आईं, लेकिन रचनात्मक सोच के सहारे इससे भी पार पा लिया गया। यहाँ एक समिति का गठन भी किया गया है, जिसके सदस्य घर घर जाकर बिल कलेक्शन का काम भी करते हैं। पानी के कनेक्शन लग जाने से अब यहाँ स्वच्छ जल सबको उपलब्ध हो रहा है और लोगों का जीवन भी सुखमय बन रहा है। उत्तराखंड के गांव भी स्वच्छ भारत अभियान का लाभ लेकर सफलता की नई कहानी कह रहे हैं। राजधानी देहरादून से 35 किलोमीटर दूर स्थित गांव छरबा भी एक ऐसा ही ग्राम है, जहां इस अभियान की प्रगति को आसानी से महसूस किया जा सकता है। यहां 1,659 परिवार रहते हैं। गांव की कुल जनसंख्या लगभग 10,000 है। 6 मील लंबा और 6 मील चौड़ा होने के कारण इस गांव का नाम छरबा पड़ा। ग्राम प्रधान की कोशिशों और लोगों के सकारात्मक सहयोग से यहां खुशहाली है। प्रगति हर स्तर पर है और यही वजह है कि भाईचारे का माहौल यहां की सबसे अच्छी बात है। स्वच्छता का पाठ यहां बच्चों को विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। हमें हैंड वॉश जरूर करना चाहिए खाना खाने से पूर्व और शौचालय से आने के बाद। हमें सभी को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अनेक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और हमारे विद्यालयों में भी इस पर खास ध्यान दिया जाता है और हमारे शिक्षक भी इस पर हमें काफी जागरूक करते हैं। रास्ते में यहाँ वहाँ बिखरे पशुओं का गोबर कई बार गंदगी का कारण बन जाते हैं, लेकिन यहाँ भद्रराज गौधाम गौशाला समिति ने कई अनूठे उपाय किए हैं। यहाँ गायों का एक ओर जहाँ पूरा ध्यान रखा जा रहा है, वहीं गोबर का प्रयोग अक्षय ऊर्जा के निर्माण में भी हो रहा है। जिस प्रकार भद्रराज गौधाम गौशाला से बायोगैस प्लांट चल रहा है और बिजली का उत्पादन हो रहा है, उसी प्रकार अगर भारत के सभी ग्राम एक विद्युत उत्पादन के लिए बायोगैस प्लांट का निर्माण करें तो उससे विद्युत संकट और जो गैस का घरेलू गैस का जो संकट है वो दूर हो सकता है। इसके लिए सभी ग्रामवासियों को, भारत के सभी ग्रामवासियों को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा कि हम गौ संरक्षण का कार्य करें, जिसको न कि हम श्वेत क्रांति के रूप में बल्कि हरित क्रांति और जो हमारा ये विद्युत संकट है और जो रसोई गैस का संकट है, इससे हम निजात पा सकें। पहले यहाँ पीने के लिए साफ पानी की बहुत दिक्कत थी, पर अब घर घर में पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। पहले हमारे गांव में पानी की बहुत ही प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हमारे गांव में पानी नहीं था और हमें बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। गर्मी हो, बरसात हो या ठंड हो, तब भी पानी लाना पड़ता था दूर दूर से, जैसे रास्ते में जंगली जानवरों का डर भी होता था। लेकिन अब प्रधान जी की वजह से हमारे गांव में जो नई पाइपलाइन बिछाई गई है, इसकी वजह से अब हमारे गांव में पानी की बहुत अच्छी सहूलियत हो गई है, जिसके कनेक्शन मतलब अब सब तकरीबन सभी घरों में आ चुके हैं और अब काफ़ी लोगों को जो है उस पानी से फायदा मिल रहा है। गाँव की गलियों में यहाँ वहाँ बिखरा गंदा पानी कई बीमारियों का कारण भी बनता है। इससे निपटने के लिए यहाँ सोख्ता गड्ढे बनाए गए हैं। इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जा रहा है।
पानी जो हमारे घरों से रसोई का या बाथरूम का जो पानी होता है, जो वेस्ट होता है, उसको हम सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं और बाकी जो बचता है उसको वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए जमीन में, ताकि जमीन में नमी रहे, उसके लिए यूज़ करते हैं। खुले में शौच जाना कुछ समय पहले तक यहाँ बड़ी चुनौती थी। अब इस मिशन के तहत लगभग सभी के यहाँ शौचालय बन गए हैं, जिससे बड़ी राहत है। हमारे गांव में पहले गंदगी रहती थी, शौचालय नहीं थे, सभी को बाहर खुले में जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि हमारे गांव में हर घर में शौचालय बनाए गए हैं, जिससे लेडीजों को, हमारे पूरे परिवार को बाहर नहीं जाना पड़ता, अंदर शौचालय बनाए गए हैं, जिससे औरतों को, सभी को काफ़ी सुविधा हो गई है। और क्या बोलते हैं, इससे जो कहते हैं बाहर खुले में जाते थे तो उससे गंदगी होती थी और कई बीमारियां होती थी, अब क्या है अंदर हैं, शौचालय बन गए हैं तो उससे सफाई भी होती है, और क्या बोलते हैं, खुले में शौचालय करने से काफ़ी बीमारियां होती थी, जिनसे काफ़ी बचाव अब हो गया है। गंदा माहौल छरबा के लिए बीते जमाने की बात हो गई है, यहाँ हर ओर साफ सफाई नजर आती है, जो अनुपम है। माहौल साफ बना रहे इसके लिए हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से योगदान देने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसका ही असर रहा कि अब गंदगी समाप्त हो गई है, जिसका फायदा कई स्तरों पर देखने को मिल रहा है। राजकीय और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित ये गांव आसपास के इलाके के लिए आदर्श बन गया है। तो देखा आपने, अब सब जगह हर किसी ने है ये माना कि स्वच्छ भारत अभियान को हमें हर हालत में है सफल बनाना। अब हम कहीं सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि अब गंदगी कम देखने को मिलते हैं। जो कूड़े का अंबार पहले हुआ करता था वो अब घट चुका है। अगर किसी को कूड़ा दिखता भी है तो हर किसी की कोशिश ये रहती है कि उसे दूर किया जाए। खास तौर पर जब पहले बच्चे कूड़ा फेंका करते थे या किसी चीज़ के रैपर फेंका करते थे, लिफाफे फेंका करते थे, तो बड़े ये जिम्मेदारी समझते थे कि हम उसे कहें कि कूड़ेदान में फेंकें। लेकिन अगर यही गलती कोई बड़ा करता है तो अब एक अलग सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब बड़े भी बड़ों को टोक देते और कहते हैं कि स्वच्छता रखें, इसे कूड़ेदान में फेंकें, क्योंकि अब लोग ये समझने लगे हैं कि ये देश हमारा है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपनी जगह को, अपने देश को साफ रखना है। क्यों है ना एक अलग सा परिवर्तन, हर तरफ स्वच्छता को लेकर एक अलग सी अलख दिखाई देती है। हर कोई अपने गांव को, शहर को और देश को साफ रखने में जुट गया है। तो आपको हमारा ये आज का कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और परामर्श हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है sb@ddkdelhi.org.in। आप हमारे इन कार्यक्रमों को एक बार फिर से YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल स्वच्छ भारत की पूरी टीम आपसे लेती है इजाजत इसी संदेश के साथ कि जन जन तक है ये संदेश फैलाना, हमें अपने भारत को है स्वच्छ, सुंदर और संपन्न बनाना। नमस्कार।